रबी शराब की सदरी में असिल अमरी वांगड़ वतन में लिसान यफको पड़ी रबी असिल वला तो असिल वतन में बिलताई قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معدن كما عدن الفضة او كما قال عليه السلام قابل احترام صدر جلسہ تمام اساتذہ حضرات ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف اور عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ एक बात की थोड़ी सी तस्सील ज़रूरी है गालिबन अनम के ग्रुप ने जो यहाँ कुछ पेश किया है उसमें ये बात आई है कि हम शैतान की संतान हैं तो उसको ज़रा इस्लाह कर लें हम नबी की औलाद हैं शैतान की नहीं उस पर दुरुस्त भी कर लें और आइंदा कहीं पड़े तो उसको थोड़ा सा सही कर लें जैसा अभी आप लोग अजान के वक्त में खामोश थे हालात यही तकाजा कर रहे हैं कि आप उतने ही सिंसियर हर जगह हो जाएं, उतने ही संजीदा उतने ही सिंसियर जैसे आपकी तवज्जो अजान पर थी वैसे हर चीज़ पर होना चाहिए यही तकाजा है वरना किसी एक चीज़ पर हमारी खामोशी हमारी संजीदगी ये सही नहीं। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि इसकी नौबत ना आए कि हम तलबा से ही कहें कि वो खामोश है। हमने आपको सख्तियों के साथ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ हमदर्दी के साथ जिसने जैसा कुछ भी पढ़ाया है लेकिन हमारा असर यह है कि उससे आप हमको आउटपुट मिलना चाहिए। आपके अंदर कुछ किरदार कुछ अखलाक कुछ हुस्न सीरत ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए वरना अगर हम ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर ना जाएं तो बात वही आती है जो मैं अक्सर कहता हूं कि कोरा कागज कोरा ही रह गया। मतलब आप आज से 2 साल कबल जब इस इदारे में आप दाखिल हुए थे बिलखसूस 12th के बच्चे तो उस वक्त भी अगर आपके अंदर वही चीजें बाकी थी जो आज है तो ये तो फिर आपके लिए एक सवालिया निशान है कि इतनी सारी चीजें हमारे पूरे स्टाफ से मिलने के बाद भी आपके अंदर कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आ पाई ये आना चाहिए। आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के अंदर हर इंसान सोना जो होता है गोल्ड उसकी कान है उसकी फैक्ट्री है। मतलब यह है कि आपके अंदर हर इंसान के अंदर और बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बेशुमार टैलेंट सलाहियतें काबिलियतें ये अल्लाह ताला ने पैदा की लेकिन अब ये ऐसा है कि जैसे कि सोना जब निकलता है धात जब निकलती है तो वो सोना नहीं होता बल्कि उसको सोना बनाने के लिए उस पर बहुत सारी मेहनत मशक्कत उससे उसको गुजरना पड़ता है और तब जाके इसीलिए हम कहते हैं कि सोना जब कुंदन में तब पकता है गर्म होता है तब जाके वो एक बेहतरीन 24 कैरेट का सोना उसकी शक्ल इख्तियार करता है कुंदन जिसे हम कहते हैं। तो आपको अपनी सलाहियतों को आपको अपनी ज़ात को अपनी शख्सियत को अगर कल मुस्तकबिल में मुझे बहुत खुशी है हमारे कुछ तलबा ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छी अच्छी बातें कही ये बात हम सभी जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुफ्तगू में मजाक में वो चीज़ों को सुना नहीं है उन्होंने आपके लिए बहुत हिदायत दी है बहुत रहनुमाई की बातें यहाँ कही हैं। तो कल मुस्तकबिल में अगर आप कामयाब तरीन इंसान बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में कामयाब तरीन दुनिया और आखिरत में कामयाब मोमिन बनना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो हम आपकी आपके गुजार करते हैं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको संजीदगी से गौर फिक्र करके उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर आप मुस्तकबिल में कामयाब बनना चाहते हैं कुछ लोग सिंसियर होते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो अभी भी सिंसियर नहीं है तो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं आप उसको ब्रशअप करें उसको संवारिए उसके अंदर निखार पैदा करें क्योंकि हम जैसा उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस की सवारी आपके घर के बाहर खड़ी है आप IAS बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं। हम ये कहते हैं कि साहब सब चीज़ें दुनिया की हर चीज़ एक मुसलमान तालिब इल्म हासिल कर सकता है। मैंने अपने बच्चों से कहीं किसी मौके से बात कही भी है कि इस वक्त चांद पर जो चंद्रयान गया है
उसकी 150 लोगों की टीम में 11 मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और ये बड़ी बात है, एक तो हमारे पास में इफ्रा का स्टूडेंट है, औरंगाबाद की जो इफ्रा वाली स्कूल है हमारी, वहां का स्टूडेंट है जो इस वक्त इसरो की टीम का हिस्सा है। दो मुस्लिम नौजवान लड़की साइंटिस्ट लड़कियां हैं उसके अंदर। मतलब ये है कि अगर हम कुछ कर लें, अज्म करें, हौसला बांधें, हिम्मत बांधें, तो आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। शुरू में मैंने आपसे बात कही थी इलेवंथ में कि आप अपना गोल टारगेट नस्बुलैंड ये डिसाइड करें। अगर इसके बगैर सफर करेंगे तो बॉम्बे के बजाय अंबई चले जाएंगे, आप बंबई नहीं जाएंगे बल्कि अंबई चले जाएंगे, क्योंकि आपने सिंथे सफर मुतयन नहीं किया, आपने अपना गोल डिसाइड ही नहीं किया। तो गोल डिसाइड करके उस पर काम जरूर करना चाहिए। ये कि बहुत सारी बातें मैं अक्सर अपने गुफ्तगू में आपसे कहता रहता हूं जहां मौका मिलता है वहां, कि इस वक्त दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक है इस पर तो आजकल ऐसे देख ही लोग सीख रहे हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, लेट्स गो, और एक है गिव अप। तो ये लेट गो और गिव अप, ये दो चीजें संभाल के रखिए। लेट गिव अप के माना ये है कि जिंदगी से हार जाना, मायूस हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, नाउमीद हो जाना। और दूसरी कौमों में हम देखते हैं कि जब वो गिव अप करते हैं तो फांसी जैसे लटक जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे पास सुसाइड का परसेंटेज निग्लिजिबल है, लेकिन बदकिस्मती से आ रहा मुसलमानों में खुदकशी का जो परसेंटेज है। तो गिव अप का मतलब यह है कि आपने जिंदगी से हार मान ली। आपने ऐसे बड़े बड़े वाकयात अखबार में टीवी में सुना होगा कि साहब क्लास वन ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, फना है, ये है, और कल रात वो लटक गए। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने गिव अप कर लिया अपनी लाइफ पर, फेस नहीं किया उसको, सक्सेस नहीं माना उसको, बल्कि मसाइल के साथ में वो फेस नहीं कर सके और उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। और जिंदगी से हार मानने के बाद में फिर वो इस दुनिया से उन्होंने अपना खात्मा कर दिया। अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ ये गुजारनी है तो आपको लेट गो ये हुनर सीखना पड़ेगा। हालात चाहे जैसे हो, गुर्बत हो, मुफलिसी हो, कमजोरी हो, समाज में आपको रुतबा ना दिया जाता हो, आपको रिस्पेक्ट ना दिया जाता हो, गुस्सा आए, सारी चीजें हो, इमोशंस में आ जाए आपको, आप क्या उसको करिए? नजरअंदाज करिए, ठीक है चलिए हो जाता है, देखेंगे। तो ये हुनर सीख लीजिए, वरना हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें जब फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुर्बत है तो मायूस हो जाते हैं और बुराई के दरवाजे को दस्तक देते हैं। हमको ये चीजें नहीं करना है, बल्कि ये कि बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। इसीलिए कहा गया कि मुसलमानों में मायूसी कुफ्र है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हम सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसको आपको बरतना पड़ेगा। आपस में फ्रेंड सर्कल है, फैमिली के मामला है, इनके अंदर जहां कुछ चीजें पैदा होती हैं तो इसको नजरअंदाज करें, आपको दरगुजर करें, मोहब्बत के साथ में लेकर चलें, इंतशार को खत्म करें, आपस में ना इत्तेफाकियों को दूर करें, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, दोस्ती के साथ, इसके साथ में जीना सीखें। लोग मुस्लिम नौजवानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपकी जो उम्र है इस वक्त ये यूज हो जा रही है, एक्सप्लॉइट आपको कर रहे हैं, और मुस्लिम बच्चे एक्सप्लॉइट होकर कुछ ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको खुद को भी और पूरी मिल्लत को उसके असरात भुगतने पड़ रहे हैं। तो बर्दाश्त का मादा पैदा है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी है, वहां तो बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी आसमान से ही ऊंची है। तो आपके अंदर ये चीजें पैदा होनी चाहिए। मैं अक्सर आपके और आपके पेरेंट्स के ताल्लुक से बोलता हूँ, जितनी कोशिश, जितनी कुड़न हम आपके ताल्लुक से रखते हैं उतने आपके पेरेंट्स में भी बेदार करने की जरूरत है। आपके पेरेंट्स से आपके दोस्ताना ताल्लुक हो, फ्रेंडशिप हो, और उनके साथ में आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। आपके पेरेंट्स के साथ में तालमेल पैदा करें, उनसे कोई चीज ना छुपाएं। आपकी अच्छी चीज भी अपने वालिदैन से शेयर करें, आपकी बुरी चीज भी अगर आपके साथ में है तो वालिदैन से शेयर करें। याद रखिए मेरी ये बात, आपको आज अगर याद ना आए तो उस वक्त आएगी जब आपके हाथ में छोटी छोटी और कमजोर उंगलियां होंगी। आज आपकी उंगलियां किसी और के हाथ में, लेकिन अगर ये बात आज आपने याद नहीं रखी तो उस वक्त याद आएगी जब आपकी उंगली आपके हाथ में किसी छोटी छोटी मासूम उंगलियां होंगी, तब आपको एहसास होगा कि साहब ये बात तो बहुत पहले इमरान साहब ने हमसे कही थी। तो ये चीजों को पाल के रखिए, ये चीजों को दांतों से पकड़ के रखिए, गांठ बांध के रखिए अपनी लाइफ में। इसलिए कि अगर आपने इसको छोड़ा तो ये एक ऐसा लाइफ पीरियड है आपका जिसमें आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और आपको करने की कोशिश हो सकी की जा रही है। इस पर आपको सोते हुए भी जागना है,
मैं अक्सर बोलता हूँ कि सोते हुए भी जागना है, जैसा कि टीपू सुल्तान ने किया था। लोग 3 दिन तक उसके पास नहीं पहुंच सके थे, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो आपको उस दर्जे अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें। हमारी तारीख आपके लिए बहुत रोशन तारीख है। मैं अक्सर आपसे किताबों के पढ़ने का कहता हूँ, बुजुर्गों की सोहबत में रहने के लिए कहता हूँ, अच्छे अखलाक और किरदार से अपनी जिंदगी को आरास्ता करने के लिए हम कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये जो रंगीन जिंदगी का आपका पीरियड है, ये आपको बहुत शाहराए जिंदगी पर मिस कर देगा। और अगर आप अभी ना समझे तो फिर कल मुस्तकबिल में आपके समझने के इम्कान कम रह जाते हैं। इसलिए बहुत अहम बात है, क्योंकि आपसे हमारा गहरा ताल्लुक है। किसी ने कहा कि साहब खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन टीचर का उस्ताद का रिश्ता उससे भी बड़ा होता है। खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन उससे भी बड़ा होता है। हम आपकी गलती पर आपको टोकते हैं इसलिए कि हम आपसे हमदर्दी रखते हैं, आपसे मोहब्बत रखते हैं। आपके अंदर कोई कमजोरी देखते हैं तो आपको दुरुस्त करते हैं, इसलिए कि आपसे हमको हमदर्दी है। जो माँ अपने बच्चे को गलत काम करते हुए देखती है तो हमदर्दी में बोलती है, जल्लाद की हैसियत में नहीं बोलती। बेटा अगर कोई गलत काम करते हैं तो बाप उसको 2 चांटे मारता है, इसलिए मारता है कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। इसलिए असातेजा का तलबा का ताल्लुक भी बड़ा बहुत ही उम्दा ताल्लुक है। ये आफाकी रिश्ता है मौलवी का उस्ताद तलबा का। हम इसलिए आपके साथ में सख्ती और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे अपनी जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान बनकर हमारे अपना खुद का नाम रोशन करें। फिर कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में, अभी चूंकि समाज में हालात कुछ बड़े अजीब व गरीब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, करवटें ले रहे हैं, मुस्तकबिल की आहटें सुनाई दे रही हैं। हालात कल कैसे आएंगे गैर कल हमको नहीं है, लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखिए कि हालात अच्छे हों या खराब, हालात अच्छे हों या बुरे, ये बात तय है कि थोड़े दिन के लिए रहते हैं, उसको संभालना बहुत जरूरी होता है। ये अभी समाज में जो कुछ भी चीजें हमारे देश में आ रही हैं, बैनुल अक्वामी सतह पर आ रही हैं, तो चूंकि मुस्तकबिल कल समाज का मुस्तकबिल आप लोग हैं, तो आप बहुत संजीदगी के साथ में अपने आप को तैयार करें। अपने अतराफ में एक ऐसा हिफाजती हिसार, एक ऐसा, जैसे अभी इसराइल ने अपने अतराफ में डोम बनाया था, आयरन डोम बनाया था कि कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। आप अपने अतराफ में एक आयरन डोम बनाइए, अखलाक और किरदार का इसका डोम बनाइए, सीरत रसूल का डोम बनाइए, अपने आप को उसके अंदर रखिए, ताकि कोई दुश्मन, कोई आपका मतलब जो कि गैर खैर खा है, वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अपने आप को कुरान और हदीस की शील्ड में, ड्रोन में महफूज रखिए। फिर यह कि जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करिए। आपके पेरेंट्स ने यहां तक जो आपको लाया है, बड़ी मिन्नतों से, बड़ी तमन्नाओं से, बड़ी दुआओं से, बड़ी कोशिशों और मेहनत के बाद यहां लाया है, उनको मायूस मत करिए। अपने वालिदैन को मायूस मत करिए, बल्कि कि उनको उनके ख्वाबों की ताबीर बनने की कोशिश करिए। हर माँ ने ख्वाब बुने हैं, हर बाप ने सपने देखे। कभी उनसे बैठ के पूछिए ना कि आप मेरे ताल्लुक से क्या सोचते रहे आज तक, तो आपको कुछ ख्वाब सुनाएंगे, हम ऐसा सोचते थे कि आप ऐसा बनेंगे। माँ कहेगी कि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा इस मकाम पर हो, माँ ये कहेगी कि मेरी बेटी इस मकाम पर हो। तो अपनी माँ और बाप के उन ख्वाबों की ताबीर बनी, उसको शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश करिए और हमेशा उस काम के लिए लगे रहिए। और इसलिए इस रास्ते में जो आपके रास्ते में रुकावट आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, उसको हिम्मत के साथ में फेस करिए। देखिए आसानी से चीजें नहीं मिल जाएंगी, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन, कोई चीज का हुसूल बगैर तकलीफ के नहीं होता। तो तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालिए और कामयाबी को हासिल कीजिए। फिर आप ये भी बात ध्यान में रखिए कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, यू कांट एक्सपेक्ट सक्सेस विदाउट यू। कामयाबी के लिए मुस्तकिल कोशिश करिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि साहब एक दुनिया का बेहतरीन म्यूजिशियन वो है जिसके दो हाथ और दो पैर नहीं, लेकिन वो गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम है। बेहतरीन स्विमर वो है जिसके हाथ पैर नहीं, तो उन्होंने कोशिश की, मेहनत की और आज इस मकाम को पहुंचे हैं। तो इतनी कोशिश करें कि कामयाबी आपके कदम चूमे। हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, मौके तलाश करिए, तालीम के मैदान में मुस्तकिल आगे बढ़ते रहिए और अपने जरिए से समाज में कुछ अच्छी कोशिशों को लाने की कोशिश करिए। बहुत एक अच्छा शेर के तारुफ, अगर रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर,
समाज में एक दूसरे के ताल्लुक से हमारा तारुफ होता है, ताल्लुकात पैदा होते हैं, चीजें आती हैं, कि तारुफ अगर रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक जो बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ना लाना न मुमकिन हो उसे एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ जाना अच्छा हो। ये साहिब लुधियानी का शेर है। आपको समाज के ताने बाने को भूलना है, उसको तोड़ना नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें आपको वहां सीखना है और वहां इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करना है। ये कुछ बातें आज इस हवाले से, इस मौके से मैंने आपके सामने रखी हैं। 12th क्लास के तलबा मेरे से मुस्तकिली बातें सुनते रहे हैं, 11th के लिए मौका बाकी है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, आपने भी करना चाहिए, कि आखिर में पछतावे से अच्छा है इंसान कोई सामान्य सफर बांध ले, कुछ चीजें अपने जिंदगी में शामिल कर ले। एक्सक्यूज करना, सॉरी कहना, माजरत करना, माफ कर दो कहना, इससे अच्छा है कि आप सीख ले। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि 10 फरवरी के बाद में हम 12वीं क्लास के बच्चों से कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, कभी कोई डिसिप्लिन मेंटेन की बात नहीं करेंगे, इसलिए कि अब आपका हमारा ताल्लुक अब जैसा पहले उसूली ताल्लुक था वो खत्म हो जाता है, अब गैर उसूली ताल्लुक रहेगा। कोशिश तो रहेगी कि हर जगह आपकी तरबियत और इस्लाह की कोशिश करें, लेकिन यह है कि जो चीजें हमने सिखाई है उसको रिकॉल करिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी तकरीर में गुफ्तगु की, इमरान सर अच्छे नहीं, मैंने जो बातें आपके सामने कही हैं वो अच्छी, उसमें हमारी जात का कोई ताल्लुक नहीं, हम अच्छे हैं ये सही नहीं है, बल्कि वो अल्फाज और वो क्या है, हमारी इस्लामी तारीख, इस्लाम तो सबसे अच्छा है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने वाले लोग कैसे हैं ये देखिए। तो आपको इन चीजों पर गौर करना है मुस्तकिल, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, गर्म भी हो रहा है, आप लोगों को भूख भी लगी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ बिलखसूस 12th के लिए, कि अल्लाह ताला उनको मतलब अपने एग्जाम में अपने मुस्तकबिल में कामयाब तरीन फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दुनिया के मसाइल से उनकी हिफाजत फरमाए, और 11th वालों के लिए भी कि वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा इन सारी चीज़ों पर गौर फोकस करते रहेंगे और उस पर अमल पैदा होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, तो फिर वाकुम वाल तखैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।